हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, आज के बारे में बात करेंगे कि आप अपने गूगल एडसेंस को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, एडसेंस लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, और ये इस तरह का आपको स्क्रीन आपको शो करती है और उसमें लिखा होता है कि आप एडसेंस को आप एसोसिएट नहीं है, आपके अकाउंट से नहीं है, जीमेल से अकाउंट से एसोसिएट नहीं है। तो घबराने की बात नहीं, एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हो इजीली वे से। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात ये, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाँ दोस्तों, मैं ऐसी टैग रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बस सबसे पहले तो मैं आपको पुराना मेथड बताऊँगा कि आपको क्या दिक्कत शो हो रही है जब आप लॉगिन करते हो। तो तुम एडसेंस में आते, तुम जैसे हम लॉगिन करते हैं तो उस तरह का आपको जो भी आपकी जीमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी होगी वो आपको सिलेक्ट करनी होती होगी, चूज एन अकाउंट। फिर आपको इस तरह का एक विंडो शो आती है कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो एसोसिएट है ही नहीं एडसेंस, या फिर इसे साइन करो या साइनअप करो, एक नया अकाउंट बनाओ। तो दोस्तों, ऊपर जाके राइट साइड देखिए सेटिंग ऑप्शन आता है, आपको सिंपली वहाँ चले जाना है। इस ट्रिक से आपको सिंपल ट्रिक से आपको सेटिंग में चले जाना है। और दोस्तों, इसमें मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप तो ये है कि ऊपर आपको टर्न ऑन सिंक लिखा हुआ, अगर ऐसा आता है तो आपको टर्न ऑन सिंक पे कर देना, सिंपली क्लिक करना है वहाँ पर, और वहाँ जाकर जो भी आपकी आईडी होगी वो आपको सेलेक्ट करनी है। देखो टर्न ऑन सिंक वो दिखा देता हूँ एक बार, वहाँ पर एक एरो होगा आपके आईडी के सामने, वहाँ देखो आपको अपनी जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी वो कर सकते हो, नहीं है तो आप ऐड करके अकाउंट का दोबारा एक जीमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हो। फिर इसके करने के बाद आपको सिंपली यस आई एम इन कर देना है। उसके बाद सिंपली आप जैसे आई एम इन करोगे तो आप एडसेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक आईडी स्टार्ट करता हूँ, आई मीन कर दिया मैंने। अगर ये आपका दिखाता नहीं है तो सिंपली वहाँ पे एक सिंक ऑप्शन भी होगा, देखिए एक सिंक ऑन होगी इसके नीचे लोगों के नीचे, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंक पे क्लिक करते हो तो आपको साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक कर देना है। साइन आउट और टर्न ऑफ सिंक करते हो तो वहाँ पे टिक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, नॉर्मल रहने देना है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो दोबारा आपको टर्न ऑन सिंक पर चले जाना है, वही ऑप्शन आ गया। अगर वैसा नहीं आता, पहला वाला ऑप्शन नहीं आता, तो उस तरह से आपको दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएगा, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको दोबारा वही मैसेज यूज़ करना है और आपका जो भी आपकी ईमेल आईडी है आपको सेलेक्ट करनी है और यस आई एम इन कर देना है। क्योंकि बहुत में पहला ऑप्शन नहीं आता है, दूसरा सिर्फ सिंक लिखा आता है, उससे भी प्रोसेस आप कर सकते हो कंटिन्यू। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ दोबारा क्रोम में चलता हूँ और ऊपर जाकर हम एडसेंस दोबारा टाइप कर देते हैं। वेट कर लेते हैं। दोस्तों, एडसेंस ओपन हो रहा है। दोस्तों, एडसेंस ओपन हो चुका है, देखो मेरा लॉगिन हो चुका है, मेरे एडसेंस में ऊपर लोगो भी दिखा रहा है मेरा। चलो मैं दिखाकर यकीन के लिए मैं आपको अपनी पेमेंट भी दिखा देता हूँ। पेमेंट ऑप्शन में जाकर मैं चलो पेमेंट में जाता हूँ मैं। तो उस तरह के मैं पेमेंट में आकर पेमेंट इन्फो में जा रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते। तो दोस्तों, आप मेरे यहाँ पे इनकम देख सकते हो, जो कि मैं दिखा नहीं सकता कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरी इस वीडियो से, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाँ, लाइक कर इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।